आगे बढ़ते हैं, खबर है सरकारी बैंकों को लेकर। सरकारी बैंक और न्यू इंडिया अश्योरेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए तरुण शर्मा है। तरुण, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि 4 PSU बैंक्स हैं जिनमें सरकार का जो स्टेक है वो 70% से ऊपर है, उसको अब सरकार OFS के जरिए बेचने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दीपक ने एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट DFS और बाकी मिनिस्ट्रीज़ के साथ शेयर किया और DFS ने अपने कमेंट्स में उसमें दे दिए हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 4 ऐसे बैंक हैं जिसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक हैं, जिनमें जो स्टेक है वो तकरीबन 90% से ऊपर है इन चारों बैंक में। तो QIP के जरिए कम कर पाना थोड़ा मुश्किल है और समय ज़्यादा लग सकता है। वहीं 2026 तक की जो डेडलाइन है उसको जल्दी पूरा करने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। इसी के लिए OFS की तैयारी की जा रही है और ये ड्राफ्ट कैबिनेट नोट बनाया गया है। और एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें सरकार अपना स्टेक कम करना चाहती है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें 86% के तकरीबन सरकार का स्टेक है, इसको भी OFS के जरिए कम किया जाएगा। तो एक बड़ा अपडेट 4 PSU बैंक्स को लेकर, और जल्द ही इसको कैबिनेट में लेकर आया जाएगा और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ये OFS की तैयारी यहाँ पे सरकार करेगी। जी, धन्यवाद करेंगे इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए आपका।